नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। रैपर सिंगर निक्की मिनाज और रैपर कान्ये वेस्ट के साथ काम कर चुकी लॉस एंजलिस की 55 वर्षीय बिजनेस मैनेजर एंजेला कुकार्सी हाल ही में एक कार की डिग्गी में मृत अवस्था में मिली हैं। कुकार्सी के 49 वर्षीय बॉयफ्रेंड जेसन वॉकर की हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। बकौल पुलिस, कुकार्सी इस साल 22 दिसंबर से ही लापता थी। हॉलीवुड अभिनेता आर्नोल्ड और मरिया श्रीवर के तलाक को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने 10 साल तक मुकदमा चलने के बाद मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटस पर समझौते में देरी की वजह से मुकदमा इतने समय तक चला है। गौरतलब है कि दोनों की 1986 में शादी हुई थी और दोनों के 4 बच्चे भी हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी हमें फिल्म दी थी और इन्होंने बहुत ही अच्छा फिल्म बनाई थी टर्मिनेटर, जिसका 1, 2, 3, 4 पार्ट भी बना है और उम्मीद करते हैं आगे भी बनता रहेगा। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कुंद्रा के इंस्टाग्राम पर कभी खुशी कभी गम फिल्म का मशहूर शाहरुख खान का हेलीकॉप्टर सीन रिक्रिएट कर पोस्ट शेयर किया है। शिल्पा ने लिखा है, घर आने की खुशी जैसा कुछ नहीं है, हम सब में थोड़ा K3G बसता है। स्लो मोशन वीडियो में शिल्पा एक हेलीकॉप्टर से नीचे उतर कर आगे जाती दिख रही हैं। हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद में अल्पसंख्यकों के प्रति कथित और तौर पर हिंसा संबंधी भाषण को लेकर अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने कहा कि ये लोग पूरी तरह गृह युद्ध की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 20 करोड़ मुसलमान इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम लोगों से इसे अपनी मातृभूमि कहते हैं। यह किसी के बाप का राज नहीं है कि भारत में मुसलमानों को मार के भगा दें और मुसलमान या तो भाग जाए अपना धर्म कन्वर्ट कर ले, हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अभिनेता नसरुद्दीन शाह एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें मुगलों को अमीर शरणार्थी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुगलों के कथित अत्याचारों को लेकर हमेशा बात होती है, हम भूल जाते हैं कि मुगलों ने देश में योगदान दिया, आप उन्हें शरणार्थी बुला सकते हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, कोई इसे इतिहास पढ़ाए। अभिनेत्री नोरा फतेही ने बताया कि वह कोविड-19 से संक्रमित हैं। उन्होंने लिखा कि इससे मुझे बुरी तरह प्रभावित किया है, कई दिनों से बिस्तर पर थी, फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हुई हूँ। यह बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हर किसी को अलग तरह से प्रभावित कर रहा है। बकौल प्रवक्ता, कल से नोरा सर्कुलेट हो रही है तस्वीर, इससे पहले इवेंट की है। अजनबी, अचानक और वीर जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर रहे विजय गलानी की बुधवार को लंदन में निधन हो गया है। ब्लड कैंसर का इलाज कराने के लिए गलानी करीब 3 महीने पहले लंदन गए थे। उम्र के 5वें दशक में चल रहे गलानी अपने पीछे पत्नी और एक बेटा और एक छोटी बेटी को छोड़ गए हैं। मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु ने सुंदरता को अपनी जीत का श्रेय देने वालों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा चेहरा सुंदर इसलिए मैं जीत ही गई, मुझे पता है कि यह कितनी कोशिश का नतीजा है। बहस करने की बजाय उन्हें अपनी योग्यता का एहसास कराने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बकौल हरनाज, यह ओलंपिक जीत की तरह है। अभिनेता सलमान खान को हाल ही में पनवेल की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चलाते हुए देखा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सलमान ऑटो रिक्शा चलाते समय शॉर्ट टी शर्ट और टोपी पहने दिख रहे हैं। अभिनेता अपना जन्मदिन मनाने के लिए पिछले हफ्ते पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस पहुँचे थे। अभिनेता अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुका कपूर कोविड-19 से संक्रमित हो गए, जिसके बाद मुंबई महानगर पालिका ने बुधवार को अभिनेता के आवास को सील कर दिया गया। हालांकि अर्जुन ने अब तक कोविड-19 के संक्रमण होने को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। अर्जुन पिछले साल सितंबर में भी कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।